कुछ वहशियों के कारण मानवता शर्मसार होने से नहीं बच पाती ऐसे लोग क्या समाज में रहने के लायक हैं समय समय पर यह सवाल उठता रहता है कुछ इसी तरह के एक व्यक्ति के अपराध की दास्ता बैतूल के भैंसदेही विकासखंड से सामने आ रही है जब उसने सात साल की एक मासूम को अपना शिकार बना लिया भैंसदेही विकासखंड में मासूम बच्चियों से हैवानियत के मामले लगातार सामने आ रहे हैं इसी कड़ी में जिले के झल्लार थाना क्षेत्र के एक गाँव में बुधवार सुबह एक सात साल की मासूम से दुष्कर्म का मामला सामने आया पुलिस ने शिकायत पर तत्परता से कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया उधर शाहपुर पुलिस ने एक साल पहले छात्रा के साथ दुष्कर्म कर उसे जान से धमकी देने वाले आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने बताया कि आज सुबह नौ बजे थाना क्षेत्र की करीब सात वर्ष की मासूम की रिपोर्ट पर आरोपी योगेश बड़ोदे को रेप करने और जान से मारने संबंधी शिकायत पर गिरफ्तार किया गया है वही पीड़िता का जिला चिकित्सालय बैतूल से मेडिकल परीक्षण करवाया गया वही पुलिस ने आरोपी को ग्राम गाडा गोहान के जंगल से गिरफ्तार किया है ये गत रात्रि मध्य रात्रि की बात है सुबह पुलिस को सूचना मिली थी एक मासूम नाबालिग जिसके उन्होंने लगभग लग लग सात वर्ष उसके साथ दुरा, दुराचार किया गया था थाना प्रभारी झल्लार उनकी टीम और मैसेम वहाँ मौके पर पहुंचा था हमने तत्काल आरोपी गिरफ्तार किया है और उसे मेडिकल कराकर आज उसको पेश कर रहे हैं सर क्या आरोपी की ग्राम से ही गिरफ्तारी हो गई थी या उसे ग्राम से ही गिरफ्तारी की है सर बच्ची की हालत फिलहाल कैसी है बच्ची की हालत सामान्य है उसको मेडिकल के लिए बेतुल भेजा है श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय भी आज घटनास्थल पर आए थे और ग्रामीणों से उन्होंने चर्चा की थी और दिशा निर्देश उन्होंने दिए हमारे इसके साथ ही एफएसएल टीम भी हमारी आई है उन्होंने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया है सर लगता नहीं कि इन दिनों बच्चों के साथ निरंतर इस तरह की घटना सामने नजर आ रही है सर हाँ आती है तो उसमें तत्परता से कार्रवाई की जाती है और हम लोग एक गा... प्रोएक्टिव ये प्रोग्राम भी हम गांव में चलाना अभी श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश में चलाना चाह रहे हैं गांव में जाके जो हमारी माता बहनें और जो बंधु हैं उनको हम इस और चेतन करेंगे और उनको थोड़ा जागरूक करने करेंगे इस प्रकरण में अतिशीघ्र कार्रवाई कर घटना के कुछ ही घंटों के अंदर आरोपी को गिरफ्तार करने में थाना प्रभारी झल्लार एवं थाना स्टाफ झल्लार की भूमिका सराहनीय रही वहीं मामले में एसपी सिमाला प्रसाद ने निर्देश दिए हैं कि आरोपी पर सख्त कार्रवाई की जाए ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ भेज न्यूज ही